इनको तो तुरंत खड़े होके खड़े करवा के गोली मार देना चाहिए। भ्रष्टाचार, शिक्षा पे, बेरोजगार पे 10% में से कितना नंबर देंगे? -1% देंगे। मैं चाहूँगा एजुकेशन के मामले में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को एकदम पीछे करना चाहती है। बेरोजगारी दर्द हमसे सिवा कोई और थोड़ी जान सकता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ होती है। ये जहाँ तक बात है किसान के आंदोलन की बात, तो किसान ठीक है, किसान मरने के लिए पैदा होता है, क्योंकि किसी ने कहा ये बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। साथियों नमस्कार, जिस तरह से हम लगातार आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, आज रास्ते में गुजर रहे थे तो विधानसभा सुराव पड़ा, यहाँ पे एक कैडर लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, हमें काफ़ी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी दूर पर खड़े हैं हम, आइए बात करते हैं कार्यकर्ता के साथ, हम मौजूद हो गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज गौतम है। कहाँ से हैं? मैं पसियापुर से हूँ। विधानसभा क्या है? सोरा विधानसभा है। क्या लगता है माहौल क्या चल रहा है? माहौल है कि अब की बार जो है बीएसपी पूर्ण बहुमत में आएगी 335 सीटों के साथ, और इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जो वर्तमान टाइम में पार्टी है, हमें निस्तो नाबूद खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरह ये बेरोजगारी का आलम है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और उस स्थान पर आप भी होंगे और हमारे आप और हमारे जैसे कई भाई होंगे, तो इसलिए हमें बीजेपी के बारे में या सपा के बारे में या और भी पार्टी के बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप भरी बात परिचित होंगे। नहीं, बीजेपी पार्टी तो जो है 5 किलो राशन भी दे रही है, मंदिर भी बनवा रही है, बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग। नहीं, ये एक तरह का देखा जाए तो प्रलोभन है, अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से लोगों को बैठा दिया जा रहा है, अभी लोग किसान जो है, जो मजदूर किसान है वो खेतों में काम करने जा, क्योंकि 2 रुपये किलो का गल्ला पा रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। तो बीजेपी इस समय बधुआ मजदूरों से या किसान मजदूरों से अप्रत्यक्ष रूप से उनका वोट खरीदने का काम कर रही है। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान लगभग 9 से 10 महीना लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन की सुनवाई नहीं हो रही। ये जहाँ तक बात है किसान के आंदोलन की बात, तो किसान ठीक है, किसान मरने के लिए पैदा होता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि किसान के लड़के जो है बॉर्डर पर, जवान बॉर्डर पर, और किसान खेतों में शहीद हो रहा है। तो इस तरह आप देख रहे हैं आज 8-9 महीने से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस पर सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है, इस पर अभी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं नज़र आई हैं। तो इससे मैं यही कहता हूं कि किसान मरने के लिए ही पैदा हुआ है और वो सड़क पर ही मरेगा। चलिए दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह गौतम है। कहाँ से? सेक्टर अध्यक्ष गोरापुर से। गोरापुर से हैं। क्या लगता है जो कार्यक्रम है इसमें मुख्य अतिथि कौन है? ये हमारे बाबूलाल भौरा साहब हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं नकुल दुबे जी आए हुए हैं, कार्यक्रम उनका लगा है। मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बैकवर्ड भाइयों से कहूँगा कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने 1951 ईस्वी में मंत्री कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब ने दिया था? किसके लिए दिया था इस्तीफा? क्यों दिया था? क्योंकि वो चाहते थे कि बैकवर्ड समाज को जो आरक्षण मिले उनको 52% मिले, और इस बात को 3 व्यक्ति पास करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। इन दोनों ने मिल के सरदार पटेल को आगे करके 52% 27% कर दिया गया। लेकिन आज बैकवर्ड समाज हमारे साथ में जुड़ने से कतराता है। बैकवर्ड समाज हमेशा भाजपा के साथ में चल रहा है। बैकवर्ड समाज के लिए जो है प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जो है सम्मेलन लगातार कर रहे थे, क्या जुड़ नहीं रहे हैं क्या? देखिए, जैसे बैकवर्ड में हमारा कुर्मी समाज हो गया, मौर्या समाज हो गया, ये सब की आंखें नहीं खुल रही है, ये हमेशा बीजेपी की बात करते हैं। हम उनसे चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि वो संविधान का आर्टिकल 340 देख लें। 340 में बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है कि इनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जातियाँ इनकी थी, लेकिन आज इनको 27% मिलता है। ये बीजेपी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, SC ST भी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन तो हमारे भाई ऐसे, 80 में भी हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो बीजेपी के पुजारी बने हुए हैं, बैकवर्ड में कुछ ऐसे भाई हैं जो बीजेपी पुजारी बने हुए। अच्छा, जो है सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया है इनकी सरकार में, क्या कहना चाहें? अगर सवर्णों को 10% मिला तो 50-60% हो गए, बच्चा 40 में 85 होकर हम 40 लेंगे और 15-20% होकर 60% लेंगे, कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है?
लेकिन यही बात जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग इस बात को जानते हैं। वो तो कहते हैं कि गरीबी को देखकर आरक्षण पास करना चाहिए, मांग करते हैं। बताइए, हमारे एससी बैकवर्ड समाज के सिवा एसटी जितने हैं, गरीब के सिवा कोई है ही नहीं। गरीब इसके सिवा कोई गरीब तो है ही नहीं है, तो गरीब संवर्ण कैसे हो गया? लेकिन 10% बढ़ाया गया कि 50% उनका है, तो 10% बढ़ा के 60 कर दिया जाए। और एक आरक्षण और लागू कर दिया है बीजेपी, क्रीमी लेयर आरक्षण, कि 27 में तो आप 27 में रहिए, हम 22-23 में तो 22-23 में रहेंगे, बचा सब उनका। बताइए 60% हो गया, तो हम लोग कहाँ आरक्षण पा रहे हैं? अगर आरक्षण ख़त्म करना है तो रोटी और बेटी का सिस्टम वाला सिस्टम ख़त्म किया जाए। बड़े बड़े मंदिर में जो पंडा बन रहे हैं वहाँ पे एक एससी होना चाहिए। आप देख लीजिए कि राम मंदिर में एक एससी है सदस्य, एक एससी है, किस पद पे है? एक एससी है जो सचिव बनाया गया है, सात समिति जो सदस्यता है एक एससी को बनाया गया है। बताइए क्या जो मंदिर में चढ़ावा जाता है उस एससी व्यक्ति को मिलेगा, आपको लगता है? वो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पाएगा, सिर्फ नाम मात्र का है बस, कि चलिए इसका नाम हो जाएगा कि हमारे साथ में एससी है। बीजेपी गवर्नमेंट एससी और बीसी के लिए बहुत ही गड़बड़ कर रही है, लेकिन लोग जात पात के चक्कर में नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुटे, तभी जाके इनका कल्याण होगा। बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे जीत करेगी, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, जो मैं बोलता हूँ रियल बोलता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस बार तो संपूर्ण क्या कहते हैं कि पूरा संपूर्ण में आएगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो, इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ मिला के सरकार इस बार बेंच बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है पूर्ण रूप से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर धर्मेंद्र पासी। कहाँ से हैं? बजाही से, बनवारी। बनवारी के पूरा से विधानसभा आपका दूसरा होगा? यही, हाँ यही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? 2022 का जो है विधानसभा आगामी चुनाव चल रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं राजनीति को? यह चुनाव तो बसपा में बसपा पूर्ण बहुमत से आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी देखा जा रहा है, जितनी काम हुआ है बसपा सरकार में उतना काम कोई सरकार नहीं कर सकती। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से खुश नहीं है क्या? देखिए, खुश और न खुश होता है कि कार्य के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो कार तो ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। इसलिए सभी लोग चाह रहे हैं कि बसपा सरकार आए और फिर से उजागर हो। अभी बात होगी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर, तो हम लोग बात करेंगे पेट्रोल के दाम पर। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के दाम पर? कल मैं पेट्रोल डलाने गया तो हमारे बगल गांव के एक पंडित जी थे, उसने कहा कि भाई मैं भी पेट्रोल डला रहा हूँ, आप भी पेट्रोल डला रहे हैं, यार मेरा भी पैसा उतना जा रहा है और आपका पैसा जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? हमने कहा मेरा 27% आरक्षण है, हमारे लिए एक अलग पेट्रोल टंकी होना चाहिए। आपको 100 रुपये मिले लेकिन हमको 25-30 रुपये मिले, क्योंकि आरक्षण के अंतर्गत हम आते हैं। क्यों भाइयों, बात सही है कि नहीं है? आरक्षण होना चाहिए ना। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी क्या कहा जाए यार, बेरोजगारी पर बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। दोस्तों, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ हूँ। जब स्टेट लेवल की काउंसलिंग हुई थी तो मुझे सीतापुर मिला था, पूरे स्टेट लेवल की जब काउंसलिंग हुई तो मुझे सीतापुर मिला था, लेकिन वही योगी जी ने जिला लेवल पर काउंसलिंग करवा दिया, जिला लेवल पर, और वहाँ से मैं बाहर हो गया। बेरोजगारी दर्द हमसे सिवा कोई और थोड़ी जान सकता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ होती है। प्राइवेट में शिक्षक हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ, लगन से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को टीच कर रहा हूँ, 20-25 बच्चों को सिपाही में सिलेक्शन दे दिया हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि बेरोजगारी की मार में सह रहा हूँ। बेरोजगारी का दर्द हमसे सिवा कोई नहीं बता सकता है। महंगाई भी लगातार बढ़ रही थी और बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, आपने इस पर ध्यान दिया, भ्रष्टाचार पे क्या ध्यान है? जितने भी एससी हैं उनकी बहनों के साथ में रेप होता है, जो बैकवर्ड समाज है उनका मर्डर हो रहा है, लेकिन तब पर भी हमारे एससी समाज और बैकवर्ड समाज की आंखें नहीं खुल रही। हम लोग एक होकर बहन जी को वोटिंग करेंगे तभी सरकार बन पाएगी, इसलिए चाहते हैं कि बैकवर्ड और एससी समाज मिलकर बहन जी को वोटिंग करें और एक सुव्यवस्थित सुसज्जित बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। क्या नाम है साथी आपका? शिवा थारू। कहाँ से हैं? सर सुराव से, सुराव विधानसभा में। आपके यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम
हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम बड़ा अच्छा रखा गया कि हम लोग गांव-गांव वालों को बता सके कि इस बार 22 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो घर घर और गली गली हम लोग हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनाव विधानसभा हुआ, कई भी विधानसभा जा जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और यही कोशिश है कि गांव गांव के लोगों से कहना चाहते हैं कि वोट श्री भाथिम दे, क्योंकि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है किसानों पर, बेरोजगारी पे, हर चीज़ पे अत्याचार कर रही है, मगर कोई समझ नहीं रहा। आप क्या करते हैं? हम इस समय हमारा बीए का मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आप पढ़ाई करते हैं? आजकल जो है ऑनलाइन क्लास कर दी गई है, ऑनलाइन क्लास में जो है किस क्लास के बच्चे पढ़ पा रहे हैं या गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा एजुकेशन के मामले में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को एकदम पीछे करना चाहती है। ये ऑनलाइन और जो ऑफलाइन का सिस्टम चला दी है, इससे उनको ये लग रहा है कि गरीब जो मजदूर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाएगी इससे उनका फ़ायदा होगा क्योंकि फिर से वो गुलाम हो जाएंगे। अभी भाई साहब ने कोई का एक लोग कहा कि मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़े बेचिए व्यापार बढ़ेगा, तो इस पकौड़े में भी एक अर्थ आता है कि आप पकौड़े बेचेंगे तो शिक्षा से दूर हो जाएंगे, आगे वाली जानकारी नहीं रखना चाहते, संविधान को नहीं पढ़ोगे। शिक्षा को देखें तो डायरेक्ट प्रमोट कर दे रहे हैं, अब क्या कहना है? इससे ये पता चल रहा है कि आप प्रमोट तो हो जा रहे हो बिना पढ़े लिखे, और बिना पढ़े लिखे आप प्रमोट हो जा रहे हो तो जब आपका कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम कराता है उसमें तो आप फेल हो जाते हो। तो उनका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो जनरल के कैटेगरी के लोग हैं वो पास हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन का जो बेस है वो अच्छा है और शुरू से बेस अच्छा रहा है। तो हम लोग का जो रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो भाई प्रमोट फ्री में हो जा रहे हो, तो ना तो बुक पढ़े हो ना तो कॉपी में लिखे हो तो आएगा है नहीं क्वेश्चन, जब आपको एग्जाम में बैठा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक फेल हो जाओगे, इसलिए आपको नौकरी छीन लिया जा रही है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि प्रमोट करने का जो अर्थ है, मतलब अगर प्रमोट करते हैं तो शिक्षा का स्तर गिर जाता है। गिर जाता है भाई, सही से कहा जाए तो गिर जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अभी जैसे हम LKG के स्टूडेंट को एडमिशन कराएंगे बच्चे को और 10 साल लगातार ना पढ़े, सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दें तो कक्षा 12 पास हो जाएगा, उससे पूछो अपना नाम नहीं लिख पाएगा, वो लिख पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा वो, और कुछ जानकारी नहीं रख पाएगा। जब वो दिखाएगा कि हम प्रमोट हुए उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगी। मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये गुंडा राज की पार्टी है, ये एक आतंकवादी है, ये जो कहती है पाकिस्तान का आतंकवादी है ना, मैं तो कहूँगा भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे लोग कहते हैं RSS का हाथ है, क्या RSS के बारे में जानते हैं? RSS की ही प्रधानमंत्री बनते हैं, RSS की ही मुख्यमंत्री बनते हैं इस प्रदेश और ये देश में, RSS के ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, अरे यार कोई चाय बेचने वाले के पास 2-व्हीलर नहीं होती है कैसे प्रधानमंत्री बन गए? अब इनके काल में तो जाइए भूतकाल में, जो कहते हैं हम चाय बेचते थे कुछ नहीं बेचते थे, ये साले गुंडा राज थे, सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत बेकार लगता है। 10 नंबर में से योगी जी को कितना नंबर देंगे? हम तो 1 नंबर देंगे। क्यों देंगे? वो मंदिर बनवा रहे हैं, सड़क निर्माण करवा रहे हैं, उससे और जो है भर जाएगा, सड़क से पेट भर जाएगा और जो है मंदिर से पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा ना। तो रोजगार चाहिए, हम युवा लोग जो है एकदम बेकार हो गए हैं, किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं। क्या करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? स्टूडेंट हैं। क्या करना चाहते हैं आगे इस सरकार को वर्तमान को लेकर? सरकार को बस यही है हमारी, एक ये वो है कि मतलब हम अपने ये बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अब ये जो 2022 वाला चुनाव हो इसमें हम अपने जो है बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में लाना चाहते हैं। अच्छा, हम बात करें विधानसभा की, विधानसभा से आपके क्या लगता है कि विधायक जीत जाएंगे? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ जो है बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, उस हिसाब से हमको मतलब 100 में से 100 अंक मिल रहे हैं। आप आगे आ जाइए। अच्छा, आप ये बताइए योगी जी की वर्तमान जो सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार, शिक्षा पे, बेरोजगार पे, 10% में से कितना नंबर देंगे? -1% देंगे। -1% देंगे, उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि शिक्षा को इतना ज़्यादा स्तर नीचा गिरा दिए हैं कि 80 के लोग जो पढ़ते थे, स्कूल जाते थे शुरू से पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल प्रमोट कर दिया जाता है कि 80 के लोग
आगे का ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर सके, वो हाई स्कूल इंटर पास करके बाहर जाए, कोई नौकरी करे, छोटी मोटी घर पे रहे, किसानी करे, बस यही चाहता है। आप एससी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है एससी को राष्ट्रपति बनाती है रामनाथ कोविंद को। सिर्फ दिखावा है ना, दिखावा सिर्फ दिखावा है। कहाँ से लगता है आपको दिखावा? लगता है लगता है कि हर एक पार्टी के लोगों को एक अपने अपने अंदर जोड़ लिया जाए ताकि उन लोगों को लगे कि यहाँ पर एससी के लोग भी शामिल हैं। लगातार किसानों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया, क्या कहना चाहिए? हम इनको तो तुरंत खड़े होकर खड़े करवा के गोली मार देना चाहिए, क्योंकि जो आज हम आप खा रहे हैं वो किसानों का ही देन है। हाँ, उसके लिए जो है किसान मेहनत करता है लगातार धूप में, ठंडी में, बरसात में, लेकिन आज क्या किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार जो है ठंडी में बरसात में आदमी किसान पड़ा हुआ है रोड पे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज से एक पार्टी और निकल कर आ रही है, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। उनको किस तरह से देखते हैं आप लोग? उनको भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी? उनको तो हम अपने नज़र से तो बेकार ही देखते हैं, क्योंकि उनको जो है बहन कुमारी मायावती के साथ रहना चाहिए, अलग से पार्टी बना रहे हैं, इससे हमारा समाज जो है बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चंद्रशेखर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा चंद्रशेखर रावण बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? समाज को बांट रहे हैं, ये बांटने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से बांट रहे हैं? ये बांटने के इसलिए कर रहे हैं कि जो आजाद समाज पार्टी बनाई है इन्होंने गलत बनाई है। इन्होंने मुझे लगता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वाले ने इनको पैसा दिया खड़ा करने के लिए। सपा वाले दिए, सपा वाले। और मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय की तीसरी लेवल पार्टी है, राष्ट्रीय की तीसरी लेवल पे है, तो इनको क्या जरूरत है पॉलिटिक्स ही करना था समाज में, तो आ जाते बहन जी के, बहन जी को कितने लोगों के सौर समाज के लोगों को राज्य मंत्री बना दिए। आप जो है चंद्रशेखर को किस नज़र से देखते हैं? हम बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो एससी का वोट अपने अंदर ले जाकर वो सपा से गठबंधन करना चाहता है और एससी का वोट काट के बहन मायावती जी को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं, लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर के साथ युवा काफी जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो सपा से गठबंधन करेगा युवा बसपा में तुरंत आ जाएंगे। हमारे साथ में दूसरे साथी हैं, आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार। कहाँ से हैं? मलाका से हैं। मलाका से क्या करते हैं? अभी तो स्टडी कर रहे हैं हम। क्या लगता है इस बार चुनाव होने वाले हैं 2022 में, इस चुनाव में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, सरकार को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, अवश्य ही बदलेंगे, डेफिनेटली बदल जाएगी, और बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बाद एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है महंगाई, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया था कि हवाई जहाज़ में जो फ्यूल डलाता है वो 79 रुपये पर लीटर है, और हमारे जो आम नागरिक हैं बाइक से चलते हैं उन वो 105 रुपये 117 रुपये ऐसे तेल डलाएंगे, तो गरीब आदमी बाइक चलाता है तो गरीब ही रह जाएगा, और जिसकी एयरलाइंस चल रही हैं वो भाई अमीर है, वो अमीर ही होता चला जाएगा। तो हम लोग कुल मिला के ये अमीरों की सरकार है बीजेपी, अब की बार बीएसपी सरकार। काफ़ी युवा जो है भाजपा से नाराज है, और भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है उपस्थित है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो 2022 का विधानसभा आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, पंकज गौतम एडवोकेट। पंकज गौतम एडवोकेट, बहुत धीमे बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव है। जिला सचिव है, विधानसभा प्रभारी। क्या लगता है आपकी बार चुनाव को लेकर? आपकी बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा उठा के पटकेगी कि कोई जवाब नहीं है। कैसे पटकेगी? युवा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बहुत बड़ा रोष है, और साथ ही साथ किसानों के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी आज अन्याय अत्याचार कर रही है, और उसके साथ साथ जो डीजल पेट्रोल के दाम भी हैं उसमें भी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो गई है, सिलेंडर में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, यानी हर चीज़ें, कोई ऐसा काम नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कोई सराहनीय काम हो। लगातार जो है जी, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी राशन फ्री में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम उनका अच्छा नहीं? वो जितना ये लोग फ्री में राशन दे रहे हैं उतना ही शोषण कर रहे हैं, ये तो एक दिखावा है, एक छलावा है, कुल मिला के इनका जादू मंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी का जादू मंतर है।